हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, काफ़ी मेहनत और काफ़ी कठिन प्रयास से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है और ये क्वेश्चन आपके RGBV यूनिवर्सिटी बीटेक सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स 2 का ये क्वेश्चन है। यूनिट वाइज सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। यूनिट वाइज ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का आप कॉन्सेप्ट जानते हैं कि मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन आपका जानते हैं कि 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और 5 आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम आप पास कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस को आप ज़रूर समझिएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए और पूरे वीडियो को आप देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बहुत एनालिसिस करना पड़ रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट के ज़रिए अपने ओपिनियन को बताइए किस तरह की क्वेश्चन आपको चाहिए, किस तरह का आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। और अगर ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपको पता ही है कि उस चैप्टर का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और लेने के बाद आप इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। कॉपी में नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। वीडियो को बारी बारी से आप देखिएगा और प्लेलिस्ट भी हर एक सब्जेक्ट का बना हुआ है और वहाँ से आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक कम्प्लीट हुआ ये क्वेश्चन। और उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के पार्ट के बारे में, तो ये आपका अगला पार्ट है क्वेश्चन का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ओके, फिर आपका अगला टाइप होता है, क्योंकि आपके यूनिट 1 में तो बहुत से टाइप हैं किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना होता था, डी के वैल्यू को फाइंड करना होता था, एम के वैल्यू को फाइंड करना होता था, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इनको पार्ट वाइज पार्ट डिवाइड किए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ओके, और इसके बाद अगर हम बात करें अगले पार्ट के बारे में, तो अगला पार्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसे सॉल्व करना है। उसके बाद अगला पार्ट है सेक्शन, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। और इसी के साथ ये यूनिट 1 का कंप्लीट होता है। तो यूनिट 1 को आप अच्छे तरीके से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो अगर आप चाहें तो मैं इसका सॉल्यूशन का भी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और कमेंट के ज़रिए अपने ओपिनियन को बताना होगा, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले और इससे रिलेटेड कंटेंट मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँ। ओके, और प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट का बना हुआ है, आप उसे भी चेकआउट करने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।